वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज मैं आपको बताऊंगी कि पंजाबी कढ़ी कैसे बनती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी होती है और कढ़ी तो सभी को पसंद आती है। इससे पहले भी मैंने बूंदी कढ़ी, पीनट कढ़ी और भी कढ़ी बनाई है, तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। ये सारी रेसिपी मेरी पहले चैनल पे पड़ी है और ये है मेरा सेकंड चैनल, तो आप उन्हें जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। दो चम्मच दही, एक कप पानी, दो कप बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी एक छोटी चम्मच, दो खड़ी लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच राई, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, हींग एक छोटी चम्मच, ऑयल ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप देशी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें पकौड़ी बनानी है तो हमने रिफाइंड का इस्तेमाल किया है, और ये एक चम्मच देशी घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस तरीके का एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम डाल देंगे ये बेसन। इस बेसन को डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये घोल लिक्विड फॉर्म में ज्यादा आ जाएगा। हमें केवल उतना घोल बनाना है जो कि पकौड़ी के लिए रेडी हो जाए। इस तरीके से हम घोल रेडी कर लेंगे और अच्छे से फेटेंगे जिससे कि बिल्कुल भी लम्स ना हो। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये रेडी हो गया। घोल हमने रेडी किया है, अब इसमें थोड़ा सा घोल हम इसमें निकाल देंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने कितना निकाला है, सिर्फ एक बड़ा चम्मच। ठीक है, इसे हम अलग रख देते हैं और अब इस घोल में हमें पकौड़ियां रेडी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसके अंदर इस तरीके से डाल दूंगी। बिल्कुल जरा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और पकौड़ी अच्छे से हमारी फूले और सॉफ्ट बने तो उसके लिए हम ये सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सोडा हम डाल देंगे, ये खाने वाला सोडा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप ले सकते हैं। और अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। ये एक पकौड़ी बनाने लायक बेसन बन गया है, तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। चलिए फटाफट हम पकौड़ी बना लेते हैं, फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पैन हमने चढ़ा दिया है और इसमें अब हम डाल देंगे ये ऑयल। पकौड़ी बनाना है तो आप ऑयल को और थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं जिससे कि पकौड़ी आपकी आसानी से बन जाए। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है, अब हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें इस तरीके से ड्रॉप करेंगे पकौड़ी। इस तरीके से आपको ड्रॉप करना है, आप छोटे पकौड़े भी ड्रॉप कर सकते हैं, आप बड़े भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप इसको स्पून से भी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पून की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं। हम इन पकौड़ियों को धीरे से पलट लेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथों से पलटना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी है। तो कुछ इस तरीके से, हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़ी हमने इस प्लेट में निकाल ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम तैयारी करते हैं कढ़ी बनाने की। वापस से हम वही बाउल लेंगे और इस बाउल में हम इसे डाल देंगे, ये जो कढ़ी का बैटर है इसे हमें डाल देना है। हम इसमें डाल देंगे ये दही, तो ये दही भी हम पूरा इसमें डाल देते हैं।
और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये पूरा मैं पानी डाल देती हूँ इसमें कुछ ऐसे, और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें भी कोई लम्स ना रह जाए। बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से ये फिट गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये एक चम्मच देसी घी। आप अगर मेथी के दाने खाते हैं तो आप कढ़ी में मेथी के दाने जरूर डालिए। मैंने वीडियो में शायद शूट नहीं किया है, तो ये रहे मेथी के दाने जो कि मैं इसमें डाल रही हूं। थोड़ी सी हम हींग डालेंगे, तो ये हींग हम इसमें डाल देंगे। हींग बहुत जरूरी है इसलिए डाल रही हूं। हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें राई डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। आपने देखी मैंने बिल्कुल जरा सी डाली, बाकी मैंने बचा ली है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप देसी घी में कढ़ी बना रहे हैं तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, क्योंकि देसी घी का एक अपना फ्लेवर होता है। मुझे तो देसी घी बहुत पसंद है, इसलिए मैं कढ़ी हमेशा देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। अब हमें इसमें डाल देना है ये बैटर। तो ये बैटर डालेंगे और इस बैटर को अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपको कढ़ी के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आप ज्यादा कढ़ी खाना पसंद कर रहे हैं तो आप पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए, और कम पसंद कर रहे हैं तो आप कढ़ी की मात्रा कम रखिए, यानी कि पानी कम रखिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, कढ़ी पकने में कम से कम 15 मिनट लेता है, क्योंकि बेसन कच्चा ना रहे इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो अभी आप देख रहे हैं इसका कलर कुछ इस टाइप का आ रहा है, यानी कि ये व्हाइट में है। पकते पकते ये हल्का सा येलोइश होना स्टार्ट कर देगी। तो इसे हम पकाते हैं इस तरीके से, हल्का हल्का चलाते रहिए, नहीं तो नीचे ये लग सकता है बेसन, इसलिए इसको चलाते रहना है। कंटिन्यूअसली मत चलाइए, बट बीच बीच में चलाते रहिए। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे ये नमक। तो ये नमक आप जरूर ऐड करिए, क्योंकि नमक बिना तो कुछ भी नहीं है, कढ़ी भी बेकार लगती है। और मिक्स कर देंगे, और इसे हम पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो ऐसे ही पकने दीजिए, इसमें बॉइलिंग आती रहेगी, और पकने दीजिए इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उबाल आना स्टार्ट हो गया है, और कढ़ी का कलर देखिए कितना चेंज हो गया है, और ये कढ़ी अपने आप गाढ़ी होने लगेगी। थोड़ा सा इनको और हमें पकाना है। देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया है, कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है। और अब हमें क्या करना है, ये जितने पकौड़े हमने बनाए हैं ये सारे हमें इसके अंदर इस तरीके से डाल देने हैं, और इन्हें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। देख सकते हैं ये उबलना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से उबाल आ जाने दीजिए। उसके बाद हम करते हैं तड़के की तैयारी। आपस से हम ये घी डालेंगे इसमें। अब हम इसमें ये खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और ये राई ऐड करेंगे। और अब इसका हम इंतजार करेंगे कि कब ये क्रैकल हो, यानी कि, और अब हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और
राई चिटकने का इंतजार करेंगे। जब इसमें चिट चिट की आवाज आएगी हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसका मतलब हमारा तड़का भी रेडी हो गया है। इस तरीके से बीच बीच में ऐसे ऐसे हिलाते रहिए, या फिर आप चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लीजिए, जिससे कि आपका ये मिर्चा भी अच्छे से पक जाए। चलिए हम प्लेटिंग करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तड़का हम इसके ऊपर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। देखा, थोड़ा सा तड़का हमने इसमें डाल दिया है और बाकी अभी हम जो इस कढ़ी को निकालेंगे तो उसमें भी डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको मिला लीजिए, पूरे तड़के को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है ना कढ़ी। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा ये ऊपर से तड़का और डाल देते हैं। लग रही है ना कढ़ी बढ़िया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कढ़ी बनके हमारी रेडी हो गई है। और अगर आपको हमारी बनाई हुई ये कढ़ी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कढ़ी कैसी लगी। बाय।